हेलो बच्चों, कैसे हैं? वेलकम टू योर केके ऑफिस क्लासेस। तो फ्रेंड, आशा करते हैं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। और क्लास 10, 12 सीबीएसई बोर्ड 2023 के जो भी बच्चे हैं जिनका कंपार्ट लग गया है एक से अधिक सब्जेक्ट्स में, जो फेल कर गए हैं मोर देन टू सब्जेक्ट्स यानी थ्री सब्जेक्ट्स में फेल कर गए हैं, जो बच्चे इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं एक से अधिक सब्जेक्ट्स में, दो सब्जेक्ट, थ्री सब्जेक्ट्स, फोर सब्जेक्ट्स, फाइव सब्जेक्ट्स में, जेई मेंस 75% क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहते हैं, और जो बच्चे एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, वो सब कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, कब फॉर्म निकलेगा, आपका एग्जाम कब होगा, सिलेबस क्या होगा और रिजल्ट कब आएगा, और जो सा काउंसलिंग के पहले आपका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, इन सब के बारे में, इंप्रूवमेंट रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये सर्कुलर सीबीएसई जैसे ही निकालेगी उस समय आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा, और आपको पहले से तैयारी रखना है कि किन किन बच्चों को, कौन कौन से बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे कि कंपार्टमेंट है क्लास 10th एंड 12th, ओके, इंप्रूवमेंट है, फेल्योर है, एडिशनल सब्जेक्ट्स है, फीमेल पीडब्ल्यूडी, ओके। तो ये आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 कैटेगरी है, तो पहला दो कैटेगरी काफी आपके लिए यूजफुल है। तो कौन कौन से बच्चे किस कैटेगरी में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिनको एसेंशियल रिपीट आया है वो कहाँ पे, उनको किस कैटेगरी में फॉर्म फिलअप करना है ताकि उनको आसानी से फॉर्म फिलअप हो जाए। क्योंकि अगर आपका एक मिस्टेक से अगर आप फॉर्म सही से नहीं फिलअप कर पाते हैं तो आपका एक साल बर्बाद हो जाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताऊंगा और कैसे करना है, कहाँ पे गलती से बचना है, आपका सेंटर कहाँ पड़ेगा। क्योंकि कुछ बच्चे हैं कि जहाँ पे पहले स्कूल था वो शिफ्ट कर गए किसी और स्टेट में, उनके लिए भी सेंटर आसानी से मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, सीबीएसई आपको हेल्प करेगी, ओके। तो प्लीज जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड, और ये चैनल सबसे पहले आपको एग्जैक्ट अपडेट देगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, क्लियर। तो चलते हैं, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट कि इसका फॉर्म कब रिलीज होगा। तो प्राइवेट स्टूडेंट्स एग्जाम 2024 फॉर्म अगस्त सितंबर 2023 में आपका नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिलअप करना है। एग्जाम कब होगा, फरवरी मार्च 2024 में, अलोंग विथ योर बोर्ड एनुअल एग्जामिनेशन, क्लियर। और रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट जैसे इस बार आया है मई में, उसी तरह उस समय भी मई 2024 में रिजल्ट डिक्लेयर कर जाएगा। आपको एग्जामिनेशन में बैठने के लिए एक आपको नया रोल नंबर मिलेगा, न्यू रोल नंबर आपको असाइन किया जाएगा, जो पहला रोल नंबर है वो यूज नहीं होगा। और आपको मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एड्रेस सही से लिखना है, प्रेजेंट एड्रेस लिखिएगा जहां पे अवेलेबल है, क्लियर। तो ये पॉइंट था। अब हम आते हैं सबसे पहले कंपार्टमेंट, कौन कौन से बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्लियर। तो कंपार्टमेंट सेक्शन में आपको 2023 में जिन बच्चों का कंपार्ट लगा है, अगर 2023 में जिन बच्चों का एक पेपर में या दो पेपर में कंपार्ट लगा है वो इस 2024 में अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर। और जिन बच्चों का अगर वो जुलाई में कंपार्ट का एग्जाम देते हैं, मतलब फर्स्ट चांस वो कंपार्टमेंट यूज करते हैं, वो अगर फिर नहीं निकलता है तो वो 2024 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ओके। और जो फर्स्ट चांस में पास नहीं किए वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर। और आफ्टर फर्स्ट चांस वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर। अब आते हैं इंप्रूवमेंट, कौन कौन से बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इंप्रूवमेंट 2022-23 मतलब जो 2023 में बोर्ड एग्जाम दिए थे वो, और वो पास स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं इंप्रूवमेंट के लिए, क्लियर। तो ये आपके लिए अपडेट था। तो इंप्रूवमेंट सेक्शन में एक चीज और जानना आपको जरूरी है, इंप्रूवमेंट सेक्शन में जो बच्चे जिनका रिजल्ट में ओवरऑल रिजल्ट में पास दिखा रहा है वो भी, अगर उनके पास 6 या 7 सब्जेक्ट्स हैं, ओके, और रिजल्ट में पास दिखा रहा है, एक सब्जेक्ट में उनका आरटी लगा हुआ है, तो वो भी इंप्रूवमेंट सेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं 2024 के लिए। तो ये फायदा क्या हो जाएगा कि अगर आपका, अगर कंपार्टमेंट में भी आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, लेकिन कंपार्टमेंट में जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपका रिजल्ट में दिखाएगा कि कंपार्ट के थ्रू आप पास किए हैं, बट अगर इंप्रूवमेंट दे देंगे तो लगेगा कि आपने इंप्रूवमेंट दिया है, तो एक आपका अच्छा रिप्यूटेशन बनेगा कहीं पे भी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, क्लियर, ओके। तो समझ में आ गया इंप्रूवमेंट कौन कौन से बच्चे भर सकते हैं। फेल्योर, जो जिन बच्चों का एसेंशियल रिपीट है या फेल है,
ओके, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लेते हैं किसी बच्चे का अगर मोर देन टू यानी थ्री सब्जेक्ट में उनको क्रॉस लग गया है, क्लियर, तो क्रॉस लग गया है तो वो थ्री सब्जेक्ट का एग्जाम के साथ साथ दो और सब्जेक्ट का उनको एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये क्लियर होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप फेल कर गए हैं, आपको पूरा का पूरा पांच जो मेन सब्जेक्ट्स है या फिर जो सिक्स सब्जेक्ट्स है जो आप लिए हैं एडिशनल, वो सबका एग्जाम देना पड़ेगा, क्लियर। तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है, ओके। तो और वो कौन कौन से बच्चे एसेंशियल रिपीट में या फेल्योर सेक्शन में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जो 2018 के बच्चे, 2019 के बच्चे, 2020 के बच्चे, 2021 एंड 2022 के बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 2024 में एज ए प्राइवेट कैंडिडेट, क्लियर। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 मतलब लास्ट 5 ईयर्स, 22 से पहले लास्ट 5 ईयर्स वाले बच्चे फेल्योर सेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं, तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बात आती है एडिशनल सब्जेक्ट्स की। एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए एडिशनल सब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं, तो ये सीबीएसई भी एडिशनल सब्जेक्ट देती है, क्योंकि आपको पता होगा अभी तक कि एनआईओसी देती है, बट एडिशनल सब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं। तो वैसे बच्चे जो पास आउट है, जो बच्चे पास आउट है और वो चाहते हैं कि हम एडिशनल सब्जेक्ट ले, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका मान लीजिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है मेन सब्जेक्ट्स, लेकिन आपका मन किया नहीं मुझे मैथ लेना है, मुझे जेई की तैयारी करनी है, आईआईटी करना है, तो वैसे बच्चे एडवांस मैथ ले सकते हैं, ओके, और जेई की तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें कंडीशन यही है कि आप उस सब्जेक्ट को एडिशनल ले सकते हैं जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि पिछले साल बच्चे बायोलॉजी वाले काफी बच्चे बोले कि बायोलॉजी मैं ले सकता हूँ क्या एडिशनल सब्जेक्ट्स, बट नहीं, क्योंकि सीबीएसई कहता क्या है कि बायोलॉजी में प्रैक्टिकल है, तो वो जो सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है वो सब्जेक्ट आप एडिशनल नहीं ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है सीबीएसई के एडिशनल का, तो ये थोड़ा दुख लगा कि आप सीबीएसई के थ्रू बायोलॉजी नहीं ले सकते हैं, क्लियर। तो और कौन से बच्चे लेंगे, तो जो 2022 में पास आउट थे और जो 2023 में, मतलब लास्ट 2 ईयर्स, मतलब अगर 24 में दे रहे हैं, 2023 वाले जो पास स्टूडेंट हैं और 2022 वाले जो पास स्टूडेंट हैं वो एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं, बट जो पहले से लिए हैं एडिशनल सब्जेक्ट वो उनको नहीं लेना होगा, रिपीट नहीं करना होगा, क्लियर। तो बच्चों, जिन बच्चों को अगर अपना फॉर्म फिलअप करवाना है तो हमारी टीम है आपको सपोर्ट करने के लिए, ओके, और हर कदम पे आपका सपोर्ट करेगी, ईच एंड एवरीथिंग, ओके, और सही से फॉर्म फिलअप करने में आपको हेल्प करेगी और आपका फॉर्म फिलअप करवाएगा। तो एक छोटा सा नॉमिनल चार्ज लगेगा, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जब भी फॉर्म निकलेगा तो आप लोग गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां पे अप्लाई कर सकते हैं जिन बच्चों को फॉर्म फिलअप करवाना है हमारे थ्रू, ओके। तो प्लीज आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा केकेपी क्लासेस, जो लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, क्लियर, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये था, फिर आते हैं फीमेल पीडब्ल्यूडी। तो ये वुमेन स्टूडेंट्स जो एनसीटी फॉर दिल्ली, जो क्लास 10 पास आउट हुई है 2023 और उसके पहले, और सीडब्ल्यूएसएन स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं पूरा का पूरा 5 सब्जेक्ट्स में, तो ये इनके लिए अलग कैटेगरी है। तो बाकी जो मेन कैटेगरी है उसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया हूँ। तो अब पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो बात आती है स्टेट और आपका स्टेट डिस्ट्रिक्ट चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। तो बहुत सारे बच्चे का कॉल आया था कि सर मेरा सेंटर, अब मैं शिफ्ट कर गया हूँ जहां से पहले 12th किया था, तो सेंटर चेंज हो सकता है। तो यस, आपका आप जो एप्लीकेशन में आप एड्रेस डालेंगे वही आपका एड्रेस पे आपका सेंटर पड़ेगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है बहुत केयरफुली, और अपना एड्रेस सही से लिखिएगा जहां पे अभी प्रेजेंट है, क्योंकि आपका मार्कशीट उसी सर्टिफिकेट पे स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजा जाएगा, ओके। तो ये मोटा मोटी ये पॉइंट था जो आपको बताना जरूरी लगा मुझे, क्योंकि काफी बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो उन सबके लिए प्रॉब्लम आई थिंक रिजॉल्व हो गया होगा। तो अगर जिन बच्चों का एक और पॉइंट है, जिन बच्चों का अगर 2 से अधिक सब्जेक्ट में फेल किए हैं, मतलब 3 सब्जेक्ट में, तो उनको 5 सब्जेक्ट देना पड़ेगा, ये ध्यान रखने की बात है। तो ये था आपका अपडेट, ओके, जैसे ही अपडेट आएगा फिर सर्कुलर, तो फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ओके। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलता रहे फ्रेंड, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड लक।